गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। अस्सलाम वालेकुम। तो आज शुरू हो रहा है सुबह का नाश्ते का वक्त है। तो सुबह सुबह मैंने रोटी तैयार कर लिया था कि चले आज नाश्ते में रोटी। अच्छा, तो रोटी ज़्यादा बनाती हूँ मैं सुबह नाश्ते में। तो नुमेर को बहुत पसंद है ना रोटी और चाय, तो वो चाय से रोटी बहुत शौक से खाता है। माँ ही जो है ना वो जाम लगा के खा लेती है। और मैं खाऊंगी कल की भाजी, मेथी की भाजी है, उससे लगा के मैं रोटी खाऊंगी। और आपके भाईजान जो है ना रोटी चाय से खाएंगे। हेलो एवरीवन, अरे क्या बोल रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? एंड गुड मॉर्निंग क्या आफ्टरनून होने वाला है? तो इंशाल्लाह खैरियत होगी, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। देन आज का ब्लॉग शुरू करते। और यहाँ से कर रही हूँ मैं वॉइस ओवर, बिकॉज जोहर का वक्त हो गया था, अजान हो रही थी। तो बस मैं चाह रही थी ईद का, बकरा ईद का कपड़ा जो है ना वो टेलर के पास देने के लिए, सिलवाने के लिए। तो आपके भाईजान को मैंने ये बोला कि मतलब पहले मेरा कपड़ा सिलवाने दे दो ताकि वो सिल जाए। मतलब टाइम होता है, पता है ना आपको, वक्त लगता है। तो इन्होंने बोला कि चलो आज ही दे दो, बोले फिर कल नहीं, कल आज, कल आज, कल आज, कल करके ना वक्त निकलता जाता है। तो ये मेरे को बोले चलो, ये रेडी हो गए थे ना, मतलब खा के सब कुछ रेडी था ये। तो मेरे को बोले चलो डाल देंगे बाजू में ये, फिर मैं आके तुमको छोड़ूंगा, गाड़ी पे निकल जाऊंगा। तो बस ये देखे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। और सुबह से करा काम काम में लगे हुए थे आपके भाईजान ने, वो कपड़े वगैरह सब ज़्यादा धो लिए, ये चद्दर मतलब पर्दे वर्दे भी थे ना वो भी धो लिए। और बस मेरा वेट कर रहे हैं और गाड़ी देखेंगे आज शुरू होती है कि नहीं होती। मैंने बोला ठीक है गाड़ी, तो बोले हाँ ठीक है, आ जाओ नीचे आ जाओ। तो मैं तो नीचे चली गई, बट नीचे जाने के बाद में पता नहीं क्या हो गया। आप लोग ब्लॉग एंडिंग तक देखना कि कपड़े मेरे गए कि नहीं गए ईद के सिलने के लिए। आप लोग देखना अगर गए तो कब मिलेंगे, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए, सब कुछ देख लेना आप लोग। तो ब्लॉग में एंडिंग तक रहना मेरे साथ में। धूप की वजह से बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। तो चले नीचे चलते हैं। जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। कैसे हो आप सब? चलो ऊपर जाओ, जाओ ऊपर। अरे माँ क्या हो, बंद हो गई? भैया दिमाग मत खराब करना मेरा, बाय। बंद हो रही है, चालू हो रही है गाड़ी, बंद हो रही, गाड़ी चालू हो रही है। अल्लाह फज्जू, रास्ते में हो गई तो क्या करेंगे? गरम करने रखे थे नहीं बहुत देर से चालू करके? चालू तो रखा था। झाड़ हमारे कितने माशाल्लाह, देखो यहाँ से दिख रहे हैं फज्जू बड़े बड़े। अजवाइन है, गुलाब का फूल, कड़ी पत्ता, देखो यहाँ से अच्छे लग रहे हैं। ये गाड़ी बंद हो रही बार बार, ये गाड़ी मुसीबत है, दिखाना पड़ेगा। हाँ जब तुम देखे तुमने नहीं चालू हो रही तो मेरे को क्यों बुलाया नीचे? मेरे को नहीं बुलाने का था ना, किया था ऐसे ही, एकदम फास्ट हो रहा था रेस, सब सही था। चलन छोड़ दे रही है, जबरदस्ती बुलाया तुम मेरे को नीचे यार, क्या काम कर लेती मैं, जान तो जा रही हूँ मैं। छोड़ दो, जान दो, चलो मैं जा रही हूँ वापस। तुम देख रहे थे कल ही, तो भी बनाने ही दे दो अभी गाड़ी को, भी तुम बनाओ काम करवाओ उसका, काम करवा के लिए क्यों बंद हो रही है? जा रही हूँ घर में, चलो छोड़ो ले गए। चलो चलो, आ गई मैडम, असरी आ रही मैडम को, चल रहे कपड़े ले पकड़िए, जा गाड़ी नहीं चल रही उनकी, बनाने देना पड़ेगा, चल जाना अंदर असरी है। अजी आ रही है मैडम को, बनाने दो बनाने दो, तो क्या हो देखो जरा, अब मैं आने वाली नहीं हूँ, जाओ। मूड खराब होता है यार, अगर अपन तैयार होकर कहीं निकलो और फिर काम नहीं होना तो मूड खराब होता है। लेकिन हाँ कल के ब्लॉग से भी कुछ सीखने को मिला है ना, कि अगर जब नहीं जाना है तो, अगर नहीं जाने का कुछ हो रहा है तो फिर मत ही जाओ तो अच्छा है। तो चले अभी अंदर चलते हैं। हाँ सीधे आएंगे ना तुमको, तुम फालतू का मेरे जो गुगली करते हो ना।
मैं नहीं करता अभी, क्या करूँ, गाड़ी जब से अच्छा हुई स्टार्ट हुई चालू हुई सब कुछ अचानक संभालो सर, संभालो सर, संभालो बैठते साथ ऐसा हो रहा। मेरे बैठने के साथ नहीं होता, कल भी हुआ था, तुमको बनाने देने का नहीं, तुमने बोले मेरे को ठंडी हो गई है खाली, मैं क्या करूँ, पानी गया कल मैंने धोया इसके लिए, कुछ नहीं कर सकता जी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ बस चलो ये कपड़े वापस आ गए, और ये कपड़े मैं आप लोगों को शाम में ही दिखाऊंगी, क्या मेरे क्या कपड़े थे, मेरे बकरा ईद के ड्रेस। ये आपके फैयाज भाई जंदे के, क्या हो गया जी, किक मार मार के, किक मार मार के नहीं, तुम्हारे ऊपर नीचे कर गए, तो मैं नहीं था कि क्या, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता बाबा। ये अब अपन घर लेंगे ना, नीचे का ही लेंगे फज्जू, ऊपर का घर नहीं लेंगे अपन, ऊपर का घर तो वैसे भी नहीं होने वाला, ये तो मजबूरी में ले लिए तुम लोगों ने, अब नीचे का ही देखेंगे। जले कहाँ गई थी पता है आप लोगों को, वही बकरा ईद के ड्रेस, मतलब मैं बोली सर चलो ड्रेस डाल देती हूँ ना सिलने के लिए, फिर वो मिले तक के बहुत लेट हो जाता है, वही डालने गई थी, बट गाड़ी हो गई टाइट है, फिश वापस आना पड़ा। लेकिन कल के ब्लॉग से मैं, कल का ब्लॉग याद आया मुझे कि मदीना वापस चल, कुछ प्रॉब्लम होगी जब भी वापस आ रही है, लेकिन अब गाड़ी ही नहीं खराब, मतलब गाड़ी ही नहीं चल रही है, ठंडी हो गई है गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग, खैरियत हो गया, बढ़िया हो गए, मजे में होंगे, और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा ये बिचारी आपकी बाजी को लगे। क्या के लिए बिचारी बोल रहे, मैं इतनी बिचारी बिचारी नहीं हूँ, हाँ ज्यादा वो मत करो, ऐसे भी मुझे ये तरस वरस तरस और सिंपति से मेरे को वैसे भी बहुत वो है। चले फिर रोड पे चलते रहता हूँ, दे दो आप लोग की दुआ मुझको चाहिए, अभी दे दो, दुआएं चाहिए बोली, सिंपति नहीं चाहिए, सिंपति थोड़ी मैं दिला रहा हूँ तुम्हारे को, मैं थोड़ी सिंपति दिला रहा हूँ, सिंपति नहीं, मैं लेती दुआ दिला रहा हूँ, दुआ लेती हूँ, बिचारी को दुआ दे दो, बिचारी बोल रहे बिचारी मत बोलो, चलो ब्लॉग स्टार्ट करो, ये कितना बोर करते आप लोग, जो कैमरे पे इतना मेरे को पकाते, तो दिन भर मुझे कितना पकाते होंगे, बहुत मुश्किल है इनको झेलना, सच बोल रही मैं आपको, मतलब आप एकदम, बहुत एक छोटा सा बच्चा होता है वो बोलने सीखता है, तो वो इतना परेशान करता है अपनी मम्मा को, तो दिन भर उसका पचर पचर चालू रहता है, तो उसको समझना पड़ता है यार ये क्या बोल रहा है बच्चा, तो ये आपकी फैयाज भाई जान का भी ऐसी है, उनकी बातें ना मेरे को समझना पड़ता है कि ये बंदा बोल क्या रहा है। चले ठीक है, जाती हूँ अभी जरा नमाज अदा करूंगी जोहर की, खाना बनाने का, ज्यादा कुछ नहीं बनाने का, दाल बनाऊंगी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, खाना खाने भी दिल नहीं होता, सब पानी पी लो पानी पी लो। सुबह तो नाश्ता कर लिया मैंने, रोटी बनाई थी, चाय रोटी और कल की भाजी रखी हुई थी, चाय मैंने तो रोटी और भाजी खा ली, आपके फैयाज भाईजान ने भी चाय और रोटी खा ली है, तो अभी चले ये गाड़ी पे निकलेंगे, मैं ना, मैं तो अभी गाड़ी पे निकलने वाला हूँ बाबा। हाँ और जाएगी, मगर ये धूप बहुत ज्यादा, धूप है बहुत, ये गर्मी, मेरे साथ साथ मेरी बिचारी वो भी घर परेशान होती है, दुनिया का कभी कभी तो उसका दिमाग ऐसा गर्म हो जाता, क्या करूँ, मैं जा रही हूँ, चलो अल्लाह हाफिज़, बाय। अच्छा जी, आपके भाईजान जो है ना गाड़ी पे निकल गए, और मैं आ गई थी अपना लंच और डिनर दोनों, अब की दोनों का, दोनों टाइम का खाना एक ही बार बनता है ना, तो बस तैयार करने के लिए आ गई थी, और मैं आज बना रही हूँ दाल, मतलब पीली दाल, सिर्फ सादियाँ, दाल में कुछ भी नहीं मिला रही, कल तो मैंने मिलाया था ना पालक, आज कुछ भी नहीं, अच्छा उसमें पालक में जो पालक बची थी ना वो, और सोया की भाजी भी बची थी, तो मैंने बोला चले अभी ये दोनों जो बची है ना इसको मैं भाजी बना देती हूँ, सही है ना, क्योंकि फिर अब इसको अगर आप एक दिन और रखेंगे ना तो वो येल्लो येल्लो हो जाएगी, तो मैं क्या करती हूँ जैसे भाजी अगर आ गई, मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा आ जाती है, तो मैं दो तीन दिन में उसको बना के ख़त्म कर देती हूँ, तो चले फिर आज पालक सोया और बटाटा डाल के भाजी बनाती हूँ। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और आप लोगों ने बहुत से, मतलब हिंट आप लोग दे रहे मुझे, मतलब किधर मैं जाऊँ, कहाँ लूँ घर, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कॉमेंट्स पढ़ के, कि आप लोग मुझे आइडियाज़ दे रहे हो, कोई मुझे बोल रहा है कि मदीना आप यहाँ पे देखिए, मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है ना कि मतलब हाँ किधर किधर हम लोग को, मतलब अपनी हिसाब से हम लोग कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि चले आप लोग साथ में हो मेरे, और बस सुकून मिल रहा है कि नहीं आप लोग साथ में हो, मैं अकेले, मतलब मैं ऐसे नहीं है मैं अकेले सोच रही हूँ, मैं अकेले परेशान हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हो कि मेरे लिए कहाँ पे अच्छा रहेगा और कहाँ पे सही रहेगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ सपोर्ट कर रहे हो मुझे। अच्छा यहाँ पे फाइनली दाल जो है ना मेरी तैयार हो गई, पीली दाल हल्की, मतलब सादी दाल बना रही थी मैं, तो ये दाल भी रेडी हो गई, पालक की भाजी भी रेडी हो गई है, देखिए भाजी बहुत, मतलब पालक सोया भी अच्छी लगती है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, या तो मेथी सोया भी अच्छी लगती है, मसूर की दाल डाल के बनाओगे ना वो भी अच्छी लगती है, तो चले खाना रेडी हो गया, बस खाना खा लूँगी और इंशाल्लाह आपको मिलूँगी अभी, पता नहीं डायरेक्ट रात में या शाम में, आप लोग देखें फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, और अभी बज रहे रात के कुछ 9 बज रहे, मैंने सोचा चले एंड करते करते जो आपको बताई थी ना सुबह में कि हाँ ईद के बकरा ईद के कपड़े,
तो मैं सोचा चले शेयर कर लेती आप लोगों के साथ में। लास्ट टाइम भी मैंने शेयर नहीं किया था, डायरेक्ट आपको ईद में मैंने वेयर किया था ना जब दिखाया था, तो मैंने सोचा चले इस बार शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे बताना। एंड हाँ, शेयर करने से पहले एक कमेंट शेयर करूंगी, वो आईडी का नाम है रुबीना खान ब्लॉग। उन्होंने मुझे कल, वो मतलब कल, उन्होंने कल नहीं मतलब इसके पहले भी बहुत बार मुझे कमेंट्स किए, बट कल के वीडियो में मुझे कमेंट्स बोले क्या लिख के भेजे क्या मेरा नाम ले लेना। तो रुबीना सिस्टर कैसे हो आप, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लॉट्स ऑफ लव एंड कीप फॉलोइंग मी। ओके चले अभी ये मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। देखो दो ड्रेस मैंने ना दो ड्रेस में जा रही थी डालने के लिए सिलाई का मतलब टेलर के पास में, तो आपने देखे गाड़ी की तो टाइम थे मतलब गाड़ी खराब हो गई, मतलब वो क्या हो गया पता नहीं। कल वो गाड़ी धोए थे ना पानी वानी डाल के, तो शायद ठंडी हो गई थी हम लोग को लगा, बट अभी वो चालू ही नहीं हो रही है। तो आपके भाईजन ने बोले कि अब इसको दिखा देंगे मैकेनिक को क्या हो गया करके, क्योंकि गाड़ी तो बहुत जरूरी है आप लोग को पता है, बिना गाड़ी के तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि चौल वगैरह में अंदर अंदर गली गली में जाना पड़ता ना, तो बाइक को ही लेना पड़ता है, रिक्शा नहीं जाएगी। तो जाते जाते रह गई, नहीं तो आज डाल देती थी कपड़े सिलने के लिए, तो ये रह गया वरना मैं डाल देती थी। चलो मैं कपड़े दिखाती हूँ फिर बात करेंगे ना। तो देखिए ये वाला ड्रेस तो आप लोगों ने देखा है मेरा, देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने, तो ये वाला ड्रेस आप लोगों ने देखा है ना मेरा, लास्ट टाइम मैंने वैशाली नगर से ली थी, याद है ना आप लोगों को, आप मेरा जब शॉपिंग का ब्लॉग मैंने डाली थी जब, ये देखें इतना वो नहीं है मतलब इतना भारी ड्रेस नहीं है, मैं तो पता है ना आप लोगों को, ये देखें बस थोड़ी सी शाइनिंग वगैरह इस पे लगी हुई है, लेकिन देखें ये देखें चमक दिख रही है, हल्की हल्की सी शाइनिंग है। और ये मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे कपड़े, ये देखें। अच्छा इसका चलो दुपट्टा लेकर आई हूँ मैं, और ये देखें ये इसकी शलवार है, ये देखें इस पे भी डिजाइन है शलवार पे भी, ये इसकी शलवार है और ये इसका दुपट्टा है, देखें मतलब फ्लावर्स हैं। एंड यहाँ पे जो है ना गाजर कलर की बॉर्डर है, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब इसकी जो बॉर्डर बनी हुई है ना ये अच्छा लग रहा था। अच्छा मैं ना ये ड्रेस सिलाने दे रही थी ना, तो मैंने सोचा कि ना ये जो कलर का बॉर्डर है ना ये वाला, इसमें का कपड़ा लूंगी मैं और इसके ऊपर है ना कुछ फ्रिल वगैरह लगाऊंगी, वही कपड़े का ना इसमें पैटर्न बना के ना फ्रिल लगाऊंगी, इसको मैं रेडी करूंगी ना आप लोग देखना बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह, मैं आपको ईद में पहनूंगी, या तो अगर सिल के आ जाएगा ना तो मैं शेयर करूंगी, तो आप लोग देखना कैसा लगेगा मुझे बताना। तो ये एक ड्रेस है और ये एक ड्रेस, ये देखें ये स्काई ब्लू, ये खाली है मतलब चेक्स वगैरह है ड्रेस में, चेक्स वगैरह बना हुआ है, नेवी ब्लू एंड स्काई ब्लू एंड ऑरेंज कलर सब कुछ मल्टी कलर है, पूरा मल्टी नहीं है। तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है और इस पर भी थोड़ा सा चमक गले में भी दिया है, ओ ये देखें गले में थोड़ी सी शाइनिंग दिया उन्होंने बस। तो ये जो ड्रेस है ना ये भी मतलब ऐसी ऐसी है मैसे, और ये उसकी शलवार है प्लेन है, ये देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन है और इसमें भी थोड़ी सी डिजाइन है, एंड इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, ये देखिए मतलब इसमें दोनों मिक्स है, मतलब शलवार जैसा भी है और ऊपर का भी, मतलब ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब ये दो ड्रेस मैं भी डालने जा रही थी सिलने के लिए, ये दोनों ड्रेस, तो ये वाला एंड ये वाला, तो आप लोग बता मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है। तो इनमें मैं ये ब्लू वाला पहनूं या फिर ग्रीन वाला, आप लोग मुझे बताना कॉमेंट्स करके। अच्छा इसका प्राइस जो है ना वो 650 है, मतलब ये मुझे 650 में मिला, एंड इसका जो प्राइस है वो है 450, मतलब ये 450 एंड ये 650, आप लोग मुझे बताना कौन सा पहनूं, ये क्या ये। अच्छा सिल के आएगा तो मैं बताऊंगी आपको पैटर्न अच्छे से रख के। और बस ये कपड़े आ गए, मैं ये सोच रही थी ना मतलब अभी बकरा ईद को तो टाइम है, आप लोग सोच रहे हैं इतनी जल्दी मदीना डाल रही, तो क्योंकि रमजान का ड्रेस आप लोग को मालूम है ना रमजान से पहले डाली थी, बट वो मुझे एंडिंग तक मतलब चांद रात तक मैंने उसको अल्टर के लिए दी थी, फिट हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, तो उसका अल्टरेशन जो है ना चांद रात तक के चालू था, मतलब पूरा महीना भर ले लिया उन्होंने। अभी मैं सोच रही कि अभी डाल दूंगी तो अभी पता नहीं एक महीना लगाएंगे सिलने के लिए, तो इस फयाज ने बोले कि ना कपड़ा है तो डाल के छोड़ दो, वो जब भी लेना होगा जब ले लेंगे जब सिल। तो अच्छा ये जो कपड़े हैं ना आप लोग को भी मालूम है कि ये अभी ने खरीदे मैंने, ये वैशाली नगर जब बच्चों की शॉपिंग करने गई थी ना ये तभी के कपड़े हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया मैंने, एंड ये सब सिल के आएंगे तो वो भी शेयर करूंगी। एंड हाँ कल कहीं जाने वाली हूँ मैं, कल कहीं जाने वाली हूँ, कहाँ ये तो आपको कल पता चलेगा, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। हाँ बट इतना बता रही हूँ कि मैं जाने वाली हूँ कल एक्चुअली घर के सिलसिले में, मतलब रूम के सिलसिले में जा रही हूँ कहीं पे, तो वो आपको कल के ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। और थैंक यू सो मच बहुत सारी दुआओं के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार देते हो बहुत दुआएं देते हो एंड बहुत फिक्रमंद हो मुझे पता है आप लोग, मैंने बोला था ना कल भी कि आप लोग बहुत फिक्रमंद हो मुझे पता है मेरे रूम को लेके, पता नहीं मैं अब किधर जाऊंगी क्या करूंगी,
मुझे खुद को ही नहीं मालूम कि मैं किधर जाने वाली हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बस देखेंगे कल कहीं जा रही हूँ रूम के सिलसिले में, एंड बस ये शेयर करना था आप लोगों के साथ में ड्रेस। अभी ये सिल के कब आएंगे मुझे नहीं मालूम, और ये अभी पहले तो मैं डालूंगी कब, क्योंकि कल तो मैं बाहर जाने वाली हूँ, फिर उसके बाद में कुछ अभी मुझे नहीं मालूम मैं डालूंगी कब सिलने। आज मैं सोच रही थी आज डाल देती ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाती, बट ये रह गया। अभी क्या जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा ना तो फिर टेलर की दुकान में भी ना मतलब कपड़े भरते जाएंगे। बस चलिए ये था आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक शेयर, एंड यू तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है वहां पे फॉलो करना। तो चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलूंगी आपको नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ, जब तक दुआओं में याद रखे, अल्लाह हाफिज़।